ओम शांति। हम सभी परमात्म पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। सोच लें, हमें जन्म भी भगवान ने दिया, पालना भी उसकी मिली, भोजन भी उसने खिलाया, हमारी जीवन नैया का खिवैया भी वही बन गया और आकर हमारा सच्चा साथी बना, खुदा दोस्त बना। हम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनकी केयर स्वयं भगवान करते हैं। तो आइए हम इस प्रभु पालना का रिटर्न दें, जिसने आकर हमें सच्चा ज्ञान दिया, जिसने हमारी जीवन रूपी बगिया को प्यार से सींचा, जिसने हमारे जीवन को सुगंधित पुष्प बनाया, जिसने हमें संसार में उपराम रहना सिखाया। ऐसे बाप की प्यार की पालना का रिटर्न हम सहज योगी बन कर देंगे। परमात्मा प्यार की पालना का रिटर्न है ही सहज योगी जीवन। हमारा जीवन ही योगी जीवन है, हमारा जीवन सहज योगी जीवन बन जाए, यही संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। और ये उनका ही बनता है जो स्वराज्य अधिकारी बनकर रहते हैं, जिन्होंने योग की सभी विधियों को सहज रूप से जान लिया है और जो कर्म करते हुए योग का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते ये योग बिल्कुल सहज और नेचुरल बन जाता है। और हमें याद रखना है, जो सहज योगी जीवन जीते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो हमें अपने जीवन को सहज भी बनाना है, बहुत सरल, और सहज योगी भी बनना है। सहज योगी वही बन जाते हैं जिनका जीवन सहज होता है, जो सरल चित्त होते हैं, जो इजी गोइंग नेचर वाले होते हैं, जिनका स्वभाव संपूर्ण रूप से सरल होता है। हम अपने जीवन को सरल बनाएं। कर्म करते हुए सहज भाव से जीना सीखें। कई लोग कर्म भी ऐसे करते हैं कि हर कर्म को टेंशन बना लेते हैं। थोड़ा समय है, ज्यादा काम है, जल्दी करना है, मन में एक टेंशन की भावना पैदा कर लेते हैं। इससे कर्म का सुख समाप्त हो जाता है, कर्म की सफलता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम सहज भाव से कर्म करें, उसके परिणाम को भी सहज भाव से स्वीकार करें। तो आइए हम सहज योगी जीवन बनाएं, चलते फिरते अभ्यास करें, बाबा की शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मानो ऊपर से एक फाउंटेन मुझ पर गिर रहा है। हम चलते फिरते इस फाउंटेन के नीचे हैं, हम परमात्मा शक्तियों के नीचे निरंतर स्नान कर रहे हैं। हम सहज भाव से इस संकल्प को बढ़ा दें कि स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर है। हम चलते फिरते और काम करते इस अभ्यास को बढ़ा दें कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ और सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों में बैठकर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये हो जाएगा सहज योगी जीवन, नेचुरल योग। आवश्यकता है केवल बार बार अभ्यास करने की। अभ्यास किसी भी चीज को सरल कर देता है और हमारा राजयोग का अभ्यास हमारे इस योग को बिल्कुल जीवन का आनंद बना देता है। तो आज सारा दिन हम ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाबा का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैंने इस देह में प्रवेश किया है और सभी आत्माएं हैं, बिल्कुल नेचुरल रूप देंगे, बाबा हमारे साथ है।
ये बहुत सुंदर स्मृति है कि सर्वशक्तिवान स्वयं हमारे साथ है। तो आइए इन सभी चीजों का आज दिन भर अभ्यास करें और ये चारों अभ्यास हर घंटे में एक बार अवश्य सुंदर रूप से कर लेंगे। बात केवल स्मृति की है तो प्रभु पालना का रिटर्न हम दे पाएंगे। बाबा ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। आइए संसार में योगी बनकर विचरण करें। योगी माना चलता फिरता लाइट हाउस। ओम शांति।